Assalamualaikum and welcome back to my Dharma's lifestyle. आज की हमारी रेसिपी रमज़ान स्पेशल है, जो है ब्रेड पैटी और ब्रेड पेटीज़, जो भी आप प्रनाउंस करते हैं. प्रीव्यू आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार है ये और बहुत ही टेस्टी है. आप खाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी. ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, इस रेसिपी को. आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आपको पहले ही प्रीव्यू दिखा दिया है, ताकि आप समझ जाएंगे कितनी अच्छी रेसिपी है ये. इंग्रेडिएंट्स जो हमें टोटल चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन को मैंने उबाल के श्रेड कर लिया है, रेशा कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक. देन ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया है, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए. उसमें कुछ हरी मिर्चों को आप विनेगर यानी सिरके के साथ ब्लेंड कर लें. ब्लैक पेपर 1 टीस्पून चाहिए होगी हमें, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं आप. कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, प्याज 1 बड़ी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा इसमें. 1 बड़ी प्याज लें, उसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए. अगर मीडियम है तो 2 ले लें. 1 कप दूध, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर सिरका और 1 ब्रेड का पैकेट. आप चाहें तो छोटी ब्रेड भी ले सकते हैं और बड़ी ब्रेड भी ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब रेसिपी. सबसे पहले एक पैन लेना है हमें, आपको उसे गर्म करना है. उसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म हो जाए उसमें आपने डाल देनी है चॉप्ड अनियंस, जो 1 बड़ी प्याज हमने चॉप की थी आप उसे डाल दीजिए. और उसे 2 मिनट तकरीबन हमें फ्राई करना है, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी वो वाइट नहीं हो जाती. हमें ब्राउन नहीं करना है, ना ही गोल्डन करना है, जस्ट वाइट कलर चेंज करना है प्याज का. जो कि 2 मिनट में ही हो जाएगा. ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी फिलिंग है. आप चाहें तो इसे समोसे की फिलिंग भी एज ए यूज़ कर सकते हैं, रोल की फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही असल फिलिंग जो है, जो पेटीज बाहर से भी मिलते हैं, उसमें जो फिलिंग होती है, ये वही वाली फिलिंग हम बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी होती है. तो जैसे ही प्याज का कलर पिंक होगा, हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देंगे. देखें, वाइट, पिंकिश वाइट कलर आ चुका है प्याज का. अब इसमें हम डालेंगे चिकन अपना श्रेड किया हुआ. अब इसे हम कर देंगे मिक्स. अच्छे से मिक्स करेंगे. देन उसमें हमें ऐड करना है ग्रीन चिली और विनेगर का जो पेस्ट बनाया था हमने, 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून. आप चाहें तो लहसुन अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो और अच्छा टेस्ट आएगा. जिसके पास पाउडर नहीं है तो वो मेरी तरह पेस्ट यूज़ करे. इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और फ्राई करना है हाई फ्लेम पर, ताकि जो लहसुन अदरक की जो कच्चान होती है वो निकल जाए सारी. अब क्या करना है, जो दूध था हमारा 1 कप, उस पर कॉर्नफ्लावर डिसॉल्व करना है हमें अच्छे से, और जो हमारी फिलिंग है ये उसमें जाएगा. तो जैसे ही ये डिसॉल्व होता है, अच्छे से डिसॉल्व करना है, कोई लम्स नहीं चाहिए हमें.
इसे डाल देना है आपने चिकन का जो हमारा मिक्सचर है, जो फिलिंग है पैटी की, उसमें आपने ऐड कर देना है स्लोली ग्रेजुअली, और इसको मिक्स करना है। तकरीबन मिक्स करते करते आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा इसे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत कुक करिएगा। और अभी हमारी फिलिंग तैयार है, आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा सा मिक्सचर, काफ़ी गाढ़ी सी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। और इससे काफ़ी सारे पेटीज बन जाते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं है कि बिल्कुल थोड़े से बनेंगे, इससे बहुत सारे पेटीज बन जाते हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं, एक ब्रेड लेते हैं। मैंने तो मेरी ब्रेड जो है वो लार्ज साइज़ थी, बड़ी थी इस वजह से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने कांच का ग्लास नहीं लेना है, क्योंकि कांच के ग्लास पर अगर आप इस तरीके से प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट गया तो आपको चोट लग सकती है। तो आपने स्टील का ग्लास लेना है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर यूज़ कर लीजिए। अब जैसे ब्रेड है, मैंने सेंटर निकाली है, अब ये बाकी वेस्ट हो रही है, तो इसे हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इसे यूज़ करेंगे अपने ब्रेड क्रम में, और अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो डेफिनेटली वो ब्रेड क्रम में कॉर्नर्स यूज हो जाएंगे। बट ब्रेड बड़ी है तो आप इस तरीके से कॉर्नर से सर्कल कट कीजिए, देन ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे कि इसको ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दूसरी ब्रेड मैंने ली है, अब उसमें भी मैंने कॉर्नर से सर्कल कट कर लिया है। अब दोनों के जो ज़्यादा वाला पार्ट है वहाँ से मैंने ट्रायंगल्स बना के उसका सैंडविच टाइप शेप दे दिया था। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और बाकी जो ये रिमेनिंग थोड़े थोड़े से पीसेस बचते हैं जो लेफ्ट हुआ है, तो इसको आप तवे पर थोड़ी देर सेक के इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए इसके पीसेस को, देन आप इसे मशीन में पीस कर या नॉर्मल जिस तरीके से आप ब्रेड क्रम पीसते हैं वैसे आप पीस कर इसे क्रम बना लीजिए। मैंने ताज़ा ब्रेड क्रम बना के उसी वक्त ही यूज़ किया था, मेरे पास ब्रेड क्रम था बट मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। मैंने ताज़ा ब्रेड क्रम बनाया जो लेफ़्ट ओवर हमारी ब्रेड थी उससे, और फिर उसी में ही कोटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सैंडविच का भी एक लुक दे दिया है। कॉर्नर्स नहीं पसंद तो आप साइड हटा सकते हैं ब्रेड की। अब बनाते हैं पैटी। सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है अपना, उसके अंदर रखना है हमें फिलिंग। अच्छे से फिलिंग रखें, थोड़ी ज़्यादा फिलिंग रखें, क्योंकि फिलिंग इनफ है काफ़ी। और इससे बने थे टोटल मेरे 15 पैटीज इंक्लूडिंग द सैंडविचेस, यानी 10 सर्कल्स बने थे, और 5 जो हैं मैंने बनाए थे ट्रायंगल्स। तो इसे कवर कर दीजिए दूसरी ब्रेड सर्कल के साथ, एंड देन कॉर्नर से इसे लाइट प्रेस करके आप इसे स्टिक कर दीजिए। बहुत आसान होता है कॉर्नर्स को आपस में स्टिक करना, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप प्रेस करेंगे और ये वैसे ही कॉर्नर्स इसके चिपक जाएंगे। कंप्लीट एक पैटी आप देख सकते हैं रेडी है। इसी तरीके से सारे आप बना लीजिए। सैंडविच शेप के जो हैं आप वो भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप के। और मेरी थोड़ी सी फिलिंग बची थी तो मैंने उसको भी यूटिलाइज़ किया था और सैंडविचेस में बना लिए थे। अब हमें यहाँ पर टोटल 3 से 4 अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, उसी में ये सारे कोट होंगे। तो आप अंडे को कोट कीजिए, अंडे को फेंट लीजिए नमक और काली मिर्च के साथ। 1 पिंच काली मिर्च और 1 पिंच नमक जाएगा उसमें। आप उसे अच्छे से बीट कर लीजिए। बीट करने के बाद अब हमें अपना पैटी जो है वो इसमें डिप करना है अच्छे से, कॉर्नर्स हर जगह से आपने इसे डिप करना है। देन आपने इसे ब्रेड क्रम में रोल करना है। मैंने ब्रेड क्रम ताज़ा बनाया था उसी वक्त, इसलिए काफ़ी थोड़ा मोटा ब्रेड क्रम है, मगर था बहुत टेस्टी और क्रिस्पी भी था, जैसा क्रिस्पी होना चाहिए। 5 मिनट उनको रेस्ट दें, आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और गर्म तेल में मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें।
लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करते हैं हम, क्योंकि फिर ब्रेड ऑयल जो है काफ़ी सोक कर लेती है। तो कोशिश कीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें और गरम तेल में फ्राई करें तो ये ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे। हमने कुछ पीस में वेस्ट नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल पीस और सिंगल साइड ऑफ अ ब्रेड। तो सब कुछ यूटिलाइज कर लिया है और ब्रेड क्रम बना लिया और जो कॉर्नर्स बचे थे उसके सैंडविचेस की शेप दे दी, जो सर्कल्स था तो सर्कल में हमारा पैटी की शेप आ गया है। तो इसे आप ऑयल से जैसे ही ये गोल्डन हो जाए तो आप इसे बाहर निकाल लें ऑयल से, और सर्व कीजिए इसे केचप, मेयोनीज या सॉस जो भी आपको पसंद हो उसके साथ। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और आप ये रेसिपी बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी घर में, क्योंकि मेरी भी बहुत तारीफ़ हुई थी घर में जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी और सबको खिलाई थी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और ये पिक्चर्स ब्रेड पेटी की हैं और ये जो मैंने सैंडविचेस ट्राई किए थे उसकी हैं। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।